अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको खुश आमदीद करते हैं अली बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आज आपको ब्रेक शू तब्दील करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक अदद हमारे पास, ये 70 बाइक है न्यू मॉडल। तो हमने ये इसका एक्सल निकाल लिया है और ये हमने इसका जो है चैन स्प्रोकेट किट भी जो है न्यू मॉडल में चैन स्प्रोकेट किट जो है वो इसी तरह साथ ही बाहर आ जाता है। तो हमने ये निकाल लिया है, इसको हमने निकाल कर साइड पर रख लिया है। और ये देखें, अब ये इसकी ब्रेक शू प्लेट है। इसके जो ब्रेक शू हैं वो लेदर जो हैं ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। जो इनका जो होता है लेदर वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। और ये देखें, ये इसके अंदर होती है एडजस्ट, ये जो एडजस्ट होती है ये अगर इसके अंदर ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है स्लीप के अंदर जो है व्हील के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है लूजिंग है। इस लूजिंग की वजह से जो है ब्रेक हमारी जो है सही तरीके से नहीं लगती। तो हमने ये जो इसके लेदर हैं वो चेंज करने हैं। तो ये देखें, अभी हमने ये लेदर निकाल लिए हैं पुराने, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह कपड़े की मदद से जो है साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करने के बाद ही जो है न्यू लेदर इंस्टॉल करें, न्यू ब्रेक शू जो हैं वो लगाएं। अगर ये इसके अंदर जो है कचरा रहेगा तो वो आपके जो ब्रेक है वो सही काम नहीं करेगी। और ये देखिए, हमने ये इसके ऊपर मोबिलाइल लगा लिया है, हल्का सा आप जो है इसके ऊपर मोबिलाइल भी लगाएं ताकि ये जो है रमा रहे। अगर ये टाइट रहेगा तो आप ब्रेक लगाएंगे, काफ़ी जो दोस्त हैं उनकी शिकायत होती है ब्रेक लगाते हैं वहीं पर ब्रेक जो है जाम हो जाती है, वापस नहीं आती, तो वो इसी का फॉल्ट होता है। तो ये देखें, अभी हम ये अच्छे जो हैं ब्रेक शू इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें कि पिछले व्हील में जो रेयर व्हील है, जो पिछला टायर है, उसमें जो है लॉन्ग स्प्रिंग वाले ब्रेक शू ही इस्तेमाल करें। जो छोटे स्प्रिंग वाले ब्रेक शू होते हैं वो आप अगले व्हील में इस्तेमाल करें। जो पिछला व्हील होता है उसमें आप हमेशा जो है लंबे स्प्रिंग वाले ही ब्रेक शू इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे जो ब्रेक शू लंबे स्प्रिंग वाले जो लेदर होते हैं वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देते हैं पिछले व्हील में। तो ये देखें, ये आपने एहतियात के साथ जो है इंस्टॉल करने हैं। और इनके ये जो स्प्रिंग हैं ये ध्यान से लगाने हैं, क्योंकि ये मुकम्मल फिट होंगे फिर ही ये जो ब्रेक शू हैं सही काम करेंगे। अगर ये स्प्रिंग इसका निकल आएगा तो फिर जो है ब्रेक आपकी सही तरीके से जो है काम नहीं करेगी। तो ये आप याद रखें कि जो है इस जगह पर भी आप हल्का सा एक कतरा ऑयल लगा दें जहाँ पर हम लगा रहे हैं, ये देखें। और इसके जो स्प्रिंग हैं वहाँ पर भी हल्की सी लुब्रिकेशन कर दें, हल्की सी। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो फिर जो है लेदर पे भी वो लग जाएगा ऑयल और आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। आप हल्का सा जो स्प्रिंग है इनके ऊपर ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी हल्का सा लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपकी ब्रेक जो है बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो लेदर के अंदर भी सारा जो है ऑयल लग जाता है, तो वो फिर ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करती। और बाज़ का ये भी भाइयों को शिकायत रहती है कि लेदर ब्रेक लगाते हैं तो पीछे से चीं चीं की आवाज़ करता है पिछला व्हील, तो वो भी इसी का फॉल्ट होता है। ये स्प्रिंग जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है। तो आप स्प्रिंगों पर लाजमी हल्का सा ऑयल भी लगा दें। और ये देखें, अब ये बिल्कुल ही A1 हो चुका है, बिल्कुल ही बहुत ही आला किस्म का जो है वो हमारी ब्रेक बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब